वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रोवेव से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आएगी, स्पेशली इस समर में। देखिए, आज बनाएंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी और दही बड़े की रेसिपी। ये बनाएंगे हम माइक्रोवेव में, झटपट से बनके ये तैयार हो जाती है। अमेजिंग रेसिपीज हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इमली की खट्टी मीठी चटनी आपने बहुत बार बनाई होगी, पर क्या कभी आपने इसको माइक्रोवेव में बनाया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत टाइम भी बचेगा आपका। और ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है झटपट से बन जाती है माइक्रोवेव में। तो हमें लेना है यहाँ पर इमली, इसे सोक करके रखना है। अगर शीट वाली है तो शीट हटा दीजिए। और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये पहले से भीगी हुई है तो बहुत ही आसानी से इसका पेस्ट बन जाता है। ये देखिए, पेस्ट बना लिया है मैंने। इसको हम फटाफट से छान लेते हैं। जो इमली का एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और इस तरीके से हमें इमली का एकदम फाइन पल्प मिल जाएगा। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो मैं डालूंगी इसमें आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं काला नमक, और आधी छोटी चम्मच डालूंगी मैं इसमें हींग, आधी छोटी चम्मच डालूंगी मैं भुना जीरा, उसके बाद डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये छोटी चम्मच से डाला है मैंने। इसमें मैंने 8 से 10 किशमिश डाली हैं और इसमें डालूंगी मैं आधी छोटी चम्मच ये सौंफ। और बस इन सबको हमें मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 100 ग्राम के करीब गुड़। देखिए, गुड़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको चटनी कितनी मीठी चाहिए। तो बस अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इनको हमें अच्छे से पहले इस तरीके से मिक्स करना है। जो गुड़ आप इसमें डालेंगे उसके आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। और बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। बाउल को रख देते हैं माइक्रोवेव में। अब हम फुल टेम्परेचर पे पहले 2 मिनट का टाइम सेट करेंगे, माइक्रो स्टार्ट कर देंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम माइक्रो खोल के थोड़ा सा चटनी को मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो इसमें गुड़ है वो नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद वापस हम माइक्रोवेव बंद करेंगे। अब जो आपके माइक्रोवेव का सबसे कम वाट होगा, यानी सबसे लोएस्ट वाट, मेरा लोएस्ट वाट है यहाँ पर 360, उस पर हमें लेके आना है इसका टेम्परेचर। और 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे। 5 मिनट में जो चटनी है हमारी बन जाएगी। तो ये देखिए, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, चटनी हमारी यहाँ पर तैयार है। अगर आपको लगता है कि चटनी में थोड़ी कमी है तो आप टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये लीजिए, रेडी हो गई हमारी यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा सकते हैं कि इसको हमने माइक्रोवेव में बनाया है। ठंडा होने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए, ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो देखा आपने कितना आसान था माइक्रोवेव में इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना। इमली को किस तरीके से सोक किया जाता है माइक्रोवेव के अंदर, ये हैक मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। अब बनाएंगे हम सेकेंड रेसिपी, और जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद हम सभी की फेवरेट है। हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले दही वड़े। इन्हें बनाएंगे हम माइक्रोवेव में। ये ऐसे बनेंगे जैसे बिल्कुल आपने इनको फ्राई किया होगा, शायद उससे भी अच्छे और हेल्दी तो हैं, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। इसके लिए हमें लेनी है यहाँ पर दाल। तो मैंने ली है यहाँ पर धुली हुई मूँग और धुली हुई उड़द दाल। इन दोनों को हमें भिगो के रखना है कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। ये देखिए, इस तरीके से छान लीजिए इसे अच्छे से। अब मैं मेजरमेंट बताती हूँ। 2 कटोरी मैंने बड़ी धुली हुई मूंग ली है और 1 छोटी कटोरी उड़द दाल ली है, और इसको मैंने भिगो दिया था रात भर। अब हमें इसे मिक्सी में पीसना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आपको इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। कोशिश करिएगा बिना पानी के, क्योंकि मूंग की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये बिना पानी के बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छे से पेस्ट बना लिया है एकदम फाइन सा। इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम बाउल के अंदर। अब हमें इसे फेंटना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक फेंटना है, तब तक जब तक ये बहुत अच्छे से फ्लफी ना हो जाए, एकदम फॉर्म जैसा ना हो जाए। जितना अच्छे से आप बैटर फेंटेंगे उतने बढ़िया हमारे
बड़े बनेंगे। अब आप बैटर को चेक कर सकते हैं, पानी लीजिए, डालिए थोड़ा सा इसके अंदर बैटर। अगर ये बैटर नीचे नहीं बैठा है, ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच नमक, नमक कम ही डालिएगा, और आधी छोटी चम्मच हल्दी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब लेना है हमें यहाँ पर माइक्रोवेव इडली स्टैंड। देखिए ये हर किसी के माइक्रोवेव के साथ मिलता है। इसे हमें हल्का हल्का ग्रीस कर लेना है। जो इडली मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टीम वाली और विदाउट स्टीम दोनों ही टाइप से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप माइक्रोवेव में इसे बना सकते हैं। पहले बनाएंगे स्टीम वाला। तो माइक्रोवेव बाउल ले लीजिए, जो भी आपके पास है, प्लास्टिक का जो भी है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसके बाद हमें इसको एक साइड रखना है। अब मैं बैटर को इडली स्टैंड के अंदर डालूं। देखिए यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के जो वड़े हैं उनको बना रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ के बनाने हैं तो आप ज़्यादा बैटर डालिए, या छोटे बनाने हैं तो इससे भी कम बैटर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए रेडी हो गया हमारा इडली स्टैंड। इसको डाल देते हैं हम माइक्रोवेव बाउल के अंदर। बस इस तरीके से आपको रखना है, इसे कवर जरूर करना है, तभी स्टीम बनेगी। और अब फटाफट से माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे। फुल टेम्परेचर पहले 3 मिनट का टाइम लगाएंगे। 3 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो वड़े हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। देखा आपने बिना किसी झंझट के कितना आसान है इनको बनाना। तो टाइम पूरा हो चुका है और ये देखिए एकदम गर्मा गर्म हमारे यहाँ पर स्टीम वाले वड़े तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुपर सॉफ्ट हैं, स्पंज वाले बिल्कुल बने हुए हैं। मैं कितना भी दबाऊं ये वापस अपनी शेप पकड़ लेंगे, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे कि इनको गुनगुने पानी में डालेंगे। तो फटाफट से हम इनको गुनगुने पानी में डाल देते हैं। ये आसानी से छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इनको छुड़ाने में। अब विदाउट स्टीम वाले वड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी बता देती हूँ मैं। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं और इसमें हम बैटर डालते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देती हूँ, सेम वैसे जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था। और इसको हमें अब डायरेक्ट रखना है टर्न टेबल के ऊपर, और वापस हम इसमें अब 2 मिनट का टाइम लगाएंगे। स्टीम में हमने 3 लगाया था, इसमें 2 मिनट का टाइम लगाएंगे। 2 मिनट में यहाँ पर वड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। तो 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए विदाउट स्टीम वाले वड़े भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। कोई अंतर नहीं आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस टाइप के वड़े बना के तैयार करने हैं। तो इनको भी डाल देते हैं हम यहाँ पर पानी के अंदर। इनको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से सोख होने रख देते हैं। अब हम यहाँ पर दही को फेंट लेते हैं, क्योंकि दही में लम्स होते हैं तो दही वड़ों में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने अच्छे से ये हमारे दही बड़े बने हैं। पानी अच्छे से इन्होंने सोख लिया है और दोनों को बताऊँगी मैं। देखिए मैंने फ्राई करके भी बनाए हैं और विदाउट फ्राई के भी। तो ये हैं हमारे विदाउट फ्राई के और ये बनाए मैंने फ्राई वाले। तो ये आप देख सकते हैं कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। ये देखिए ये फ्राई वाले हैं और ये विदाउट फ्राई वाले। तो देखा आपने कितना आसान है और हेल्दी तो ये सबसे ज़्यादा है। तो बस फटाफट से सर्व कर लेते हैं हम दही बड़ों को। तो पानी दही बड़ों से अच्छे से निचोड़ लीजिए। आप चाहे तो इनको छोटे छोटे पीसेस में भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो पूरे के पूरे आप इस तरीके से सर्व कर लीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 दही बड़े डाल रही हूँ और इनको मैंने अच्छे से पानी से निकाल लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम दही। अब डालेंगे इसमें हरी चटनी और उसके बाद डालेंगे इसमें इमली की चटनी जो हमने तैयार की थी। तो आप देखिए इमली की चटनी का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर चटनी बनके तैयार हुई है। अब डालेंगे इसमें चुटकी भर सफ़ेद नमक, चुटकी भर डालेंगे काला नमक, चुटकी भर डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। इसमें डालेंगे हम चुटकी भर भुना हुआ जीरा और उसके बाद डालेंगे चुटकी भर लाल मिर्च। चटपटे दही बड़े की प्लेट हमारी यहाँ पर रेडी हो गई। तो देखा आपने माइक्रोवेव में कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको मेरी ये माइक्रोवेव से रिलेटेड रेसिपीज़ और हैक्स की वीडियोज़ कैसी लगती हैं। आगे भी मैं इसी तरीके की यूज़फुल माइक्रोवेव से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की माइक्रोवेव से रिलेटेड वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।